अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया हमारे स्टोर से शॉपिंग की। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी ये सिम कार्ड बाई किया है, हमसे किया है या किसी और से किया है, या आप लोगों के पास पहले का मौजूद था लेकिन ये सिग्नल नहीं कैच कर रहा, या आपके पास कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है और आप लोगों के पास नंबर नहीं शो हो रहा, तो इस वीडियो में आपको इन तीनों का सोल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, सिम जो ऑटो सिग्नल कैच करती है उसमें अक्सर ये नंबर शो नहीं करती और आप लोगों को जो है बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको करने के बाद आप अपना नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, और ऐसी कौन सी सेटिंग है जिससे आप इसको नॉन पीटीएम मोबाइल में भी चला सकते हैं और अपने एंड्रॉयड पीटीएम मोबाइल में भी चला सकते हैं, अपने जोंग के नेटवर्क पर, जैज के, यू फोन के और टेलनार के नेटवर्क पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल को ले लेना है, जैसे कि अब मेरा ये अपना मोबाइल है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल एक जोंग की सिम हुई हुई है इंसर्ट, तो मैं उसको जो है आउट कर लेता हूँ। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जोंग की सिम मैं पहले यूज़ कर रहा था, तो अब मैं जो है इनमें से एक रैंडम में मिक्स कार्ड उठा लेता हूँ। ये मैंने सिम कार्ड उठा लिया है। अब हम लोग मैं जो है इस सिम के अंदर से ये इसका मैंने निकाल लिया है, उसके बाद मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। एक मेरी जोंग की सिम है और साथ में मैं इसको ये डाल के यूज़ कर रहा हूँ। मेरी जोंग की सिम नीचे गिर गई थी, तो अब मैं इसको दोबारा से इस कार्ड को हम लोग यहाँ पर साइड पर रख देते हैं और इसको मैं दोबारा से अपने मोबाइल के अंदर प्लग इन कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं अपने मोबाइल को जो है ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर ये नो सिम कार्ड दे रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक सिम ने तो नेटवर्क जो है वो पिक कर लिया है, हालांकि दूसरे के ऊपर क्रॉस बना आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर 2 से 3 मिनट वेट करना है, ठीक है। आप लोगों ने वेट करना है, आप लोगों को सिग्नल शो हो जाएंगे। अगर सिग्नल शो नहीं होते तब भी आपने वही सेटिंग करनी है जो भी मैं करने वाला हूँ, और सिग्नल अगर शो हो जाते हैं तब भी आपने वही सेटिंग करनी है जो कि अभी मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने स्टेटस बार को ड्रॉप करना है, और जहाँ से आप लोग डाटा ऑन ऑफ करते हैं उसको आपने प्रेस करके रखना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मैंने सिम 1 के अंदर तो अपना जोंग का नंबर इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन सिम 2 के अंदर मैंने अपना वो यूके का नंबर इंसर्ट किया है। तो मैं सिम 2 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लास्ट पर मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है कैरियर का। आपके मोबाइल पर याद रहे कि ये ऑप्शन सेम नहीं आ सकता कैरियर का, आपके मोबाइल पर उससे चूज नेटवर्क ऑप्शन आ रहा हो या नेटवर्क आ रहा हो या ऑटो नेटवर्क आ रहा हो, जो भी ऑप्शन होगा, अगर आपको शक होता है कि ये वही ऑप्शन है, आपने सिंपल उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और अगर उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप लोगों को ऑटो वाला ऑप्शन ऑन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो अगर आपके पास उसके बाद ऐसी कोई ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपका ये ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन होता है, तो आपने समझ जाना है कि आपने सही ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। अब आपने इसको ऑन होगा, आपने इसको क्लिक करके ऑफ कर देना है, तो आपके सामने पाकिस्तान के सारे नेटवर्क शो हो जाएंगे। अब मैं आपको रेफर करूंगा कि आप लोग जैज को सिलेक्ट करें। कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन या रजिस्टरिंग, आपने वहां पर वेट करना है, अपने मोबाइल को आगे पीछे ऑन ऑफ या बैक नहीं करना। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आप लोगों ने वेट करना है, 2 से 3 बार किसी और नेटवर्क पे ट्राई करनी है, या कुछ टाइम छोड़ने के बाद आप लोगों ने सेम नेटवर्क पे ट्राई करनी है, या किसी खुले मैदान में जाके आपने ट्राई करनी है, आपका नेटवर्क रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी सिम सिग्नल कैच कर लेगी तो आपकी तरफ कुछ इस तरह का मैसेज होगा जो कि गिफ्ट ऐप की तरफ से होता है। पहले आता था वेलकम टू पाकिस्तान, आप ये कुछ अजीब सा आने लग गया, लेकिन इसे इग्नोर करें। अब हम चले जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ के नंबर कैसे निकाले। तो आपने सिंपल यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर डायल करना है जैज का कोड *99#, क्योंकि अब ये जैज के ऊपर रजिस्टर हो चुकी है, तो हम लोग जैज का कोड डायल करेंगे जैसे हम लोग अपने नंबर निकालते हैं *99#। उसके बाद हमने सिम 2 चूज़ कर देनी है, तो यहाँ पर यह कोड जो है रनिंग हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा कोड शो नहीं करा सकता, अब आप लोग देखते हैं इसने नंबर बता दिया, +44 से स्टार्ट हो रहा है।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आई होगी, और अगर आप लोगों को हमारी सर्विस पसंद आई हो तो रिव्यूज़ लाजमी शेयर करें, आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होते हैं। थैंक यू फॉर शॉपिंग, अल्लाह हाफिज़।